सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज की जो क्लास है वो विद्यालय शिक्षा की जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव, मतलब कि हमें पाठ्यचर्या से संबंधित क्या सुझाव दिए थे, अर्थात जो भी पहले से प्रोसेस चली आ रही है क्या वही होनी चाहिए या उसमें कुछ फेरबदल होनी चाहिए या कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल्स इन्होंने इसमें बातें करी थी। विद्यालय के पाठ्यक्रम पूर्व पाठ्यक्रम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कि प्राथमिक शिक्षा से पहले की पूर्व प्राथमिक जो जो भी शिक्षा है उसके लिए कौन कौन सी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। खाने पहनने की कौशल, मतलब बच्चों को कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, उसके बारे में हमने बच्चों से बात करने की पाठ्यचर्या को रखा। फिर सफाई के बारे में जानकारी के लिए रखा, बातचीत सामाजिक व्यवहार को भी उन्होंने रखा, खेलकूद को भी उन्होंने रखा और सृजनात्मक कार्य, मतलब बच्चा अपने से क्या क्या क्रिएटिव कर रहा है उसके बारे में उन्होंने पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखा कि बच्चा अपने से खुद की क्या ईजाद कर रहा है उसके बारे में क्या करना, बच्चों को पूरी छूट देना। ठीक, ये दूसरा है प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, मतलब जैसे प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती है बच्चे की, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा आती है उसके अंतर्गत उन्होंने पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या क्या बातें कही, मातृभाषा मतलब कि क्षेत्रीय भाषा को उन्होंने प्राथमिकता दी है। एक दूसरा व्यवहारिक गणित, मतलब गणित भी होनी चाहिए वो भी किसमें व्यवहारिक, मतलब बच्चा 1-2 कर रहा है कि नहीं, अब जोड़ ले रहा है कि नहीं, घटा ले रहा है कि नहीं, भाग दे रहा है कि नहीं, मतलब ये क्या होती है व्यवहारिक। फिर भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, मतलब कि जो भी उसके आस पास की जो भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में क्या करना, जानकारी समाज सेवा भी होनी चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा को भी इन्होंने इसके अंतर्गत रखा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में आपका जो है प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा, मतलब कि उस प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक ले सकता है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शिक्षा और नैतिक शिक्षा। देखिए विज्ञान के अंतर्गत ये पूछ सकती है कि कोठारी आयोग ने उच्च प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या की क्या क्या कौन कौन सी बातें या कौन कौन से विषय रखने को उन्होंने सुझाव दिया। मातृभाषा शिक्षा की पाठ्यचर्या, माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यचर्या को उन्होंने उच्च प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम को रखा था, मतलब जो भी प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती चीजें हैं, जो भी विषय आ रही है उसको इन्होंने उच्च प्राथमिक के अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने रखने का प्रयास किया था। अब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, मतलब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, जो केवल पाठ्यचर्या है केवल रहनी चाहिए और इसके अंतर्गत कुछ और विषय जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकशास्त्र आदि को इन्होंने रखने का प्रयास किया। फिर छठा है भाषा स्वतंत्र, इसके अंतर्गत उन्होंने मातृभाषा या संस्कृत भाषा या प्रादेशिक भाषा को रखा, अक्सर हिंदी आदि भाषा, हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए, कोई आधुनिक भाषा या यूरोपीय भाषा, मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि इन्होंने कोठारी आयोग ने मतलब अपने देसी चीज़ को बढ़ाने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। जैसे कि अगर बच्चा मातृभाषा में पढ़ने का प्रयास करे तो वो क्या क्या हो सकता है, उसका पूरा का पूरा सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक, आशा करता हूँ कि पूरा पूरा टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा, इससे समझ और भी जो बातें होंगी उसको और नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।